और दान बहादुर जी हमारे बीच में बनारस से आए हैं, हमारे इस मंच के सबसे खूबसूरत कवि, और चश्मा लगाए तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। चश्मा पिछले बार नहीं लगाए थे, मैंने पूछ लिया दान बहादुर जी चश्मे में बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन वो दान बहादुर बोले लेकिन चश्मा लगाना से एक तकलीफ हो रही है। अरे मैंने कहा क्या तकलीफ हो रही है, बोले तकलीफ ये हो रही कि जब से चश्मा लगा रहा हूँ महिलाएं इधर दिखती ही नहीं है। तो मैंने कहा क्या तकलीफ है यार, चश्मा उतार लो। तो फिर बोले महिलाएं दिखती ही नहीं है, तो तकलीफें ऐसी भी है। लेकिन तालियां बजाइए मोहब्बतों के, रिश्ते यूं निभाए जाए। चलो तालियां बजाए और श्री दान बहादुर को बुलाए। आए मैं सभी को प्रणाम करता हूं, प्रेम की बात करता हूं, प्रेम का कवि हूं, और यहाँ अविकसित और विकसित युवा दोनों लोग बैठे हैं। तो ये विकसित युवा और अविकसित, और चूंकि दीपावली का समय है तो सबका प्यार छुट्टियों में वापस घर आया होगा, तो उस समय ऊर्जा सबकी बढ़ जाती है, तो हर कुछ बहुत नया नया दिखता है। तो उसी पे है, चार लाइनें हैं, ध्यान सुनिएगा कि ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। आपका ध्यान चाहूंगा, ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा इन सर्दियों मेरे शहर आए हो क्या, ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा इन सर्दियों मेरे शहर आए हो क्या, और बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो क्या, बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो क्या, और अचानक ही चर्चे में आ गया हूँ मैं। भाई कोई आया 10 साल बाद 1 साल बाद और पूछने लगा आपके बारे में, तो एक सुपरस्टार वाली फीलिंग आ जाती है। तो अचानक ही चर्चे में आ गया हूँ मैं, मेरा पता पूछते हुए शर्माए हो क्या, अचानक ही चर्चे में आ गया हूँ मैं, मेरा पता पूछते हुए शर्माए हो क्या, और बेवक्त कोहरा हवाओं में नरमी, बेवक्त कोहरा हवाओं में नरमी गेसुए पुरखम कहीं लहराए हो क्या। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बेवक्त कोहरा हवाओं में नरमी गेसुए पुरखम कहीं लहराए हो क्या, और बिजलियां गिरी हैं चकिया में नादान, ध्यान दीजिएगा, बिजलियां गिरी हैं चकिया में नादान, नकाब को चेहरे से सरकाए हो क्या। शुक्रिया शुक्रिया। बिजलियां गिरी हैं चकिया में नादान, नकाब को चेहरे से सरकाए हो क्या। और यहाँ आपने तमाम रंग देखे, कोई वीर रस में कह के गया, कोई पैरोडी में, कोई हास में, तो कविता क्या है मैं उसको आपके सामने बताता हूँ कि कविता क्या है। कविता अपने में कितने आयाम समेटे हुए है, और उसको मन से सुन लीजिएगा कि कविता क्या है। कविता शब्दों का अद्भुत खेल है, कविता शब्दों का अद्भुत खेल है, कविता बुद्धि का मन से मेल है, कविता शब्दों का अद्भुत खेल है, कविता बुद्धि का मन से मेल है, कविता कथा है कथ्य है कथन है, कविता कथा है कथ्य है कथन है, तो कविता पन्ने पे उकेरा हुआ वचन है, हर कुछ कविता है। तो कविता कथा है कथ्य है कथन है, कविता पन्ने पे उकेरा हुआ वचन है, कविता साक्षात भी है निर्गुण भी है, कविता साक्षात भी है निर्गुण भी है, कविता अधूरी होकर संपूर्ण भी है, कविता साक्षात भी है निर्गुण भी है, कविता अधूरी होकर संपूर्ण भी है, कविता चांद और चकोर का किस्सा है। अगली लाइन पे आपकी तालियां चाहिए। कविता चांद और चकोर का किस्सा है, तो कविता बूढ़े माँ बाप की रोटी का हिस्सा है। कविता कविता मतलब सब कुछ कविता है, ये मिट्टी आकाश अंबर मणिकर्णिका बनारस सरहद तिरंगा सब कविता है, बस उसको पिरोना आना चाहिए।
तो कविता चांद और चकोर का किस्सा है, कविता बूढ़े माँ बाप की रोटी का हिस्सा है, कविता मदहोश है मतवाली है, कविता मदहोश है मतवाली है, कविता सर्द सवेरे चाय की प्याली है, कविता मदहोश है मतवाली है, कविता सर्द सवेरे चाय की प्याली है, कविता दोपहर की धूप का पसीना है, तो कविता बारिश में भीगती हसीना है। क्या बात, कविता कविता दोपहर की धूप का पसीना है, तो कविता बारिश में भीगती हसीना है, कविता राष्ट्र का इंसानियत का संदेश है, कविता राष्ट्र का इंसानियत का संदेश है, कविता आम जन की पीड़ा है आवेश, कविता आम जन की पीड़ा है आवेश है, कविता चिंगारी में आग का आभास है, कविता चिंगारी में आग का आभास है, कविता रक्त से सींचा हुआ इतिहास है। वाह दीदी, आपकी दाद मिलके बहुत बढ़िया। कविता चिंगारी में आग का आभास है, कविता रक्त से सींचा हुआ इतिहास है, कविता व्याकुलता से गुजरती हुई शांति है, कविता व्याकुलता से गुजरती हुई शांति है, तो कविता रद्दो बदल की सुनहरी क्रांति है, कविता व्याकुलता से गुजरती शांति है, तो कविता रद्दो बदल की सुनहरी क्रांति है, कविता माँ ने सजो कर रखा खिलौना है, सुनिएगा, कविता माँ ने सजो कर रखा खिलौना है, तो कविता सधे हुए हाथों में नवयौवना है। ये तालियां बता रहे हैं कि आप सुन रहे हैं मन। कविता माँ ने सजो कर रखा खिलौना है, तो कविता सधे हुए हाथों में नवयौवना है, कविता खेत है खलिहान है हरियाली है। क्या बात है, कविता हाँ आखिरी लाइन है, कविता खेत है खलिहान है हरियाली है, कविता बिना अस्त्र देश की रखवाली है, कविता बिना अस्त्र देश की रखवाली है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और इसी क्रम में नवल भाई वो सुनाता हूँ आज के प्रेम पे। आज का प्रेम कैसा है, गिफ्ट लिया तो प्रेम है, नहीं दिया तो प्रेम खत्म। उसी पे ये चेतावनी है युवाओं को, विकसित युवाओं को भी और अविकसित युवाओं को भी। तो सुनिएगा कि दिल कहाँ टूटता है तो क्या निकलता है। तो उसका दिल सौदागर निकला, उसका दिल सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला। उसका दिल सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला, इससे उससे सबसे था डर। अगली लाइन पे हंगामा होना चाहिए, इससे उससे सबसे था डर, उसका सबसे चक्कर निकला, इससे उससे सबसे था डर, उसका सबसे चक्कर निकला, और झूठे वादे पे ठहरा हूँ, झूठे वादे पे ठहरा हूँ, ये सावन भी बंजर निकला। झूठे बहुत दर्द है महसूस हो रहा है भाई को, झूठे वादे पे ठहरा हूँ, ये सावन भी बंजर निकला, और मतलब से रखता था रिश्ता, बहुत गहरी बात है, मतलब से रखता था रिश्ता, मैं हर एक से कमतर निकला। मतलब से रखता था रिश्ता, मैं हर एक से कमतर निकला, और खुद को हारा जिसकी खातिर, भैया खुद को हारा जिसकी खातिर, वो अंदर से पत्थर निकला। मतलब गलत जगह पे माथा टेक रहा था, तो खुद को हारा जिसकी खातिर, वो अंदर से पत्थर निकला, और हीरे सी इज्जत जिसको दी, हीरे सी इज्जत जिसको दी, वो मैला सा कंकर निकला। हीरे सी मतलब बोल तो खुलती है ना, तो हीरे सी इज्जत जिसको दी, वो मैला सा कंकर निकला। और आखिरी शेर है कि जिसके हिस्से में तुम आए, जिसके हिस्से में तुम आए, वो सबसे ताकतवर निकला, जिसके हिस्से में तुम आए, वो सबसे ताकतवर निकला। और मैं अपनी आखिरी रचना सुना करके स्थान लूंगा, और वो यहाँ इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि चकिया तहसील में सुना रहा हूँ, और कई लोग रोजी रोटी की तलाश में शहरों में यहाँ से गए होंगे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं कोठियाँ हैं, वो ढह रही होंगी, बुजुर्ग घर में होगा
ताला ही लगा होगा। तो सुनिएगा और बड़े मन से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही भाव से लिखी हुई रचना है कि एक आदमी जब माइग्रेट होकर शहरों में कमाने के लिए जाता है तो उसकी मनोदशा है, और यहाँ पे जो उसके मकान जो सुने पड़े हुए हैं तो वो उसको कनेक्ट कर रहा है। सभी चल दिए शहर की तरफ, सभी चल दिए शहर की तरफ, तन्हा खड़ा बस मकान रह गया। क्या बात। सभी चल दिए शहर की तरफ, तन्हा खड़ा बस मकान रह गया। बचपन दलालों में बिखरे पड़े हैं, बचपन दलालों में बिखरे पड़े हैं, यादों में उनका निशान रह गया। बचपन दलालों में बिखरे पड़े हैं, यादों में उनका निशान रह गया। मुंडेरों से दिखते हैं गमले कई, मुंडेरों से दिखते हैं गमले कई, बूढ़ा वो बरगद कहाँ रह गया। मुंडेरों शुक्रिया शुक्रिया। मुंडेरों से दिखते हैं गमले कई, बूढ़ा वो बरगद कहाँ रह गया। झूले की पींगे वो धान दुपट्टा, झूले की पींगे वो धानी दुपट्टा, सावन अधूरा वहाँ रह गया। झूले दर्द है, समझ आना चाहिए आप लोगों को कि शहरों में तो तमाम लोग मिलेंगे डिस्को में हर जगह, लेकिन मोहब्बत नहीं रहेगी। तो झूले की पींगे वो धानी दुपट्टा, सावन अधूरा वहाँ रह गया। दरीचे जो खोलो तो खुशबू नदारत, दरीचे जो खोलो तो खुशबू नदारत, रिश्ता खड़ा बेजबा रह गया। गेहूं की बाली वो माटी वो सौंधी, गेहूं की बाली माटी वो सौंधी, बिलखता हुआ बाग बा रह गया। गेहूं की बाली माटी वो सौंधी, बिलखता हुआ बाग बा रह गया। और आखिरी दो लाइन है कि गंगा की डुबकी वो माथे का चंदन, गंगा की डुबकी वो माथे का चंदन, दिल में बनारस जवा रह गया, दिल में बनारस जवा रह गया। सभी चल दिए शहर की तरफ, तन्हा खड़ा बस मकान रह गया। धन्यवाद, शुक्रिया।